बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खड़े हैं मलगिशकोरी गुआरान, इस एरिए को कहते हैं हमारे रकबा जात, इधर ये तमाम गिशकोरियों की मुश्तरका। और जिस जगह इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये गार है, इसको कहते हैं बुल्लो गार, बुल्लो इसका नाम है। चरवाहे जितने भी हैं, भेड़ बकरियों वाले या जो भी, बारिशों में और हवा में, सर्दी में या गर्मी में, भेड़ बकरियों को, गाय बकरी सबको बचाने के लिए इस गार में आकर पनाह लेते हैं। ये नीचे आप देखें, ये सारे बारिश के दौरान ये इनके रंदाज के निशान हैं, इधर आकर ये पनाह लेते हैं, अपने आप को बचाते हैं। ये सर्दियों में बहुत गर्म हो जाता है और गर्मियों में ये ठंडी हो जाती है। ये सामने इसका छत है और ये पहले साबित था, बाद में बारिशों से ये छत टूट गया, तो अभी हम लोगों ने कोशिश किया, लकड़ी शकड़ी दिए हुए, लेकिन हमने इस छत को इसलिए छोड़ा हुआ है कि इससे ठंडी जब हवा आती है तो ये ज़्यादा ठंडा होता है। और इसके बाद जानवर जब ज़्यादा होते हैं, सामने वो जो मेरी जीप खड़ी हुई है उस एरिए में काफ़ी लंबा इसका साया भी है, और ये हवा से जो मशरकी हवा आती है, ठंडी हवाएँ, उनको ये रोकता है और जानवर ईजी फील करते हैं। चरवाहे यहाँ बाकायदा रोटी पकाते हैं, यहाँ सोते हैं, ये जगह वो जगह और इसका टॉप पर वहाँ है। तो इस किस्म के पनागाहें मुख्तलिफ बहुत सी और भी हैं हमारे इन पहाड़ियों में। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पूरा मकान है बना हुआ है, और ये मैं तो बचपन से इधर आकर इसको देख रहा हूँ, मेरे भाइयों ने ये देखा है, मेरे वाले साहब 103 साल की एज में उन्होंने वफात पाया, तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि हम जब छोटे थे तो हम अपने भेड़ बकरियाँ बारिश से बचाने के लिए या ठंड और गर्मी से बचाने के लिए इधर आकर हम लोग पनाह लेते थे। ये देखें, ये कुदरती गार हैं, यहाँ छोटे जो लेले होते हैं उनको चरवाहे इसके अंदर अंदर छुपा के यहाँ लकड़ी शकड़ी दे देते हैं, तो जंगली या पहाड़ी जानवरों से भी उनका बचाव होता है। और ये पूरा साया आप देखें, बहुत बड़ा एक साया है। इस साये पे हम लोग शिकार के बाद जब आते हैं तो पिकनिक मनाते हैं, यहाँ बैठ के गोश्त पकाते हैं, सालन पकाते हैं, चाय, तो ये इस तरीके से। और ये छोटा सा सामने जो नज़र आ रहा है, ये इसका शेप अबुल होल की तरह है, ऐसे ही लगता है। ये पहाड़ी सीन है, बड़ा खूबसूरत सीनरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पहाड़ है ये सामने दिखाई दे रहे हैं, ये इस सीज़न में अभी एक महीने के बाद यहाँ इन पहाड़ों पे, इनके गारों में इनके कुदरती जो शहद है वो वाफर मकदार में होता है, शिकारी यहाँ से शहद। तो ये वो गार है जिसका अभी मैंने तारफ कराया दिखाया था, ये वो गार है, यहाँ आकर हम लोग निशानाबाजी करते हैं।